क्लास सेवन संस्कृत वो हिंदी बाल महाभारत कथा चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नेम पांडवों और कौरवों के सेनापति। पेज नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण उपलप्य लौट कर आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथियों ने इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। दृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार, दृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहलों से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया है कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडव पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण, तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा था, मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अक्षा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझ कर भीष्म पितामह की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पितामह की नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरह कृष्ण हो उसके पक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यो आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम, दूसरे भोजगढ़ के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुन करके रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, किंतु वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह स्वर्ग का अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपको आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कह दुर्योधन ने भी रुक्मी को सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी।
उन दोनों की रीति के अनुसार दोनों पक्षों के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। अतः सेना की सूची मुख सुई की नोक के समान व्यूह में सुसज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई, अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार। नेक्स्ट पेज पे हम वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्व विख्यात है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूं कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अक्षा ही है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए, परिक्रमा करके उनको दंडवत किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि तुम्हारी जीत ही हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मद्राज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु भृतपाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा, युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन बाद भीष्म आहत हुए, द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन के लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। सो यहीं पर चैप्टर क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।